हुण मसला आ गया रोटी का, तो रोटी तो हर एक बंदा खाता, कितने ना कितने कलाकारां दी रोटी भी इत्थों ही चलती है। अज यूथ नाल है और अज जे वर्का खुल गया तो ये मैनू लगता एक किताब उदों ही बंद होनी आ जदों इहदे विच जित हासिल होनी आ। होंद का सवाल है, अगर अज असीं चुप बह गए तो आने वाला समा समय दे विच किसानी की होंदी है ये शायद आने वाले बच्चों नूं पता ही ना होगा। ये जिहड़ी सरकार है साडे किसानां की, मैं कहनी हां कि किसी भी खिते नूं तुसीं लै लो, ये किसी दे भी हक की सरकार नहीं हैगी। एक कंगना रनावत के वलों लगातार विवाद जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां जा रही बजुर्गों लैके होवे भावें संघर्ष में लैके, कंगना ना बोलती शायद साड़ी बीबियां अज इस मोर्चे से आके डट के खड़िया भी ना होंदियां। सो कंगना जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साड़ियां बीबियां नूं घरां चों कढ दित्ता। सत श्री अकाल, असीं एक बार फिर जुड़े हाँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जिथे कलाकारां दा संघर्ष नूं वड्डे पद्धर ते संघर्ष मिल रहा, जिवें जदों तो पंजाब तो ही संघर्ष शुरू होया देश दे नाल नाल विदेशों तक पहुँच गया, कलाकार बढ़ चढ़ के हिस्सा निभा रहे हैं। साडे नाल गलबात करन दे लई रुपिंदर हांडा जी मौजूद ने। रुपिंदर हांडा जी, देखा गया संघर्ष जदों तो शुरुआत हुई सब तो वध जिहड़ा समर्थन जिहड़ा कलाकारां दा मिल रहा जी, जी की कहोगे तुसीं, क्योंकि पहला अजिहा संघर्ष ना होया ते ना ही अजिहे संघर्ष दे विच अजिहा एका देखने मिला, की कहोगे? देखो बहुत सारे कलाकार इदा दे कि जदों भी कोई पंजाब ते औंकड़ आई आ तो हमेशा नाल आके खड़दे सीगे, पर उन्हां दी गिनती बहुत घट सीगी। पर हुण मसला आ गया रोटी का, तो रोटी तो हर एक बंदा खांदा, कितने ना कितने कलाकारां दी रोटी भी इत्थों ही चलती है, तो एक वह भी पीड़ सीगी और असीं आप किसानी परिवारां तों आउने आ, एक वह भी पीड़ है। सो ये कितने ना कितने साडी अपनी अपने घर की कहानी सीगी, सारे इस करके अगे आ रहे और साथ दे रहे हैं। क्या कि रोटी का मसला जिहड़े कलाकार ने जिवें हुण अज किसानी दे गीत गा रहे ने, नौजवानों की जिहड़ी जुबान ते भी उह किसानी दे गीत ने, इह सिर्फ रोटी का मसला नहीं बल्कि किसान ने उह कह रहे ने, हर कलाकार कह रहा पहला असीं किसान है फिर इत्थे इह गीत गा रहे। रोटी का मसला, रोटी सब ने खानी है, अज तुसीं सारा दिन काम करके जो घर वापस जाओगे या इत्थे भी जिथे भी सौंगे तुसीं इत्थे ही थोड़े डेरे होणगे, रोटी तो तुसीं भी खा के ही सौंगे। सो रोटी का मसला है, ये आने वाली नस्लां भुखियां तां सौण, उहदा मसला। बिल्कुल, जिवें एक भगत सिंह होरां नूं जदों फांसी दा इहदा समां सीगा उदों किताब पढ़ रहे सी लेलन दी ते बरका मोड़ दित्ता सी, उन्होंने कहा सी जेलर ने कि बरका उह मोड़दे ने जिहड़े आके खोलणा होवे, पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता सी कि मैं बंद करके चलिया, बरका कोई होर खोलूगा जो टाइम आ गया। वरका देखो जिहड़ा संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष दे विच मैनू लगता है कि वरका खोलण दा समां आ गया, क्योंकि खुल ही गया, क्योंकि जिन्ना जोश जज्बा किसी ने सोचा ही नहीं होना कि यह अंदोलन इस शिखर पर भी पहुँच सकता है, इस तरह की मूवमेंट कदे बन भी सकती, क्योंकि मूवमेंट अगे भी बहुत सारिया हुई ने किसानी, पर इस की हुंदा सीगा दो महीने चलना साल चलते सी हार थक के अपने घरों वापस, क्योंकि उस टाइम यूथ नाल साथ नहीं सी दिंदा, अज यूथ नाल है और अज जे वर्का खुल गया तो यह मैनू लगता एक किताब उदों ही बंद होनी आ जदों इहदे विच जित हासिल होनी आ। रविंदर जी, एक लेलन नूं किसी ने पूछा सी कि तुसीं नौजवानों की जिहड़ी जवान दे उत्तों 10 गीत सुना दो सानूं कि असीं तुहाडे नौ भविख दस दांगे, आखिर भविख की होना, अज सब नूं लग गया भविख दा पता, अज सारे अवेयर ने, उन्होंने पता है कि अज अगर असीं आवाज़ नहीं चक्की अज इन्हां दे नाल नहीं खड़े होए साडे आउण वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां ने उह भुखमरी लई तैयार हो जाण। सो एक कितने ना कितने साडी होंद दा सवाल है, अगर अज असीं चुप बह गए तो आने वाला समा समय दे विच किसानी की होंदी है ये शायद आने वाले बच्चों नूं पता ही ना होगा, सारे मजदूरी करनगे और मजदूरी कितने मिलों के फैक्ट्रियां च। सो ये समा हैगा अज जागृति का समा सीगा और अज सारे जागरूक ने और ये साडे पंजाब च सब तो वड्डी जिहड़ी इस अंदोलन की जित हैगी है, एक आपसी भाईचारा, एक जिहड़ा अवेयरनैस आई है यूथ दे विच आम लोगों के विच, ये सब तो वड्डी जित हैगी है। बिल्कुल, जिवें संघर्ष दिनों दिन बढ़ रहा तो ये होर बल मिल रहा, पर सरकारां दी मंशा हुंदी आ कि संघर्ष नूं लंबा किया जाए जो इस नूं कमजोर करन दे विच आसानी होगी, इस संघर्ष नूं लैके भी सरकारां दी यही मंशा हो सकती है? बिल्कुल यही मंशा है, क्योंकि जिस तरह 1.5 महीना हो चुके, 55 दिन हो चुके हैं और हाले तक कोई भी उन्हां वल्लों स्टेटमेंट नहीं आ रही है, ईवन जिहड़े साडे इत्थे शहीद होए आ जिन्हां ने शहादतां दित्तां उन्हां लई भी उन्हां साडे प्रधानमंत्री तो दो लफ्ज़ नहीं निकले मूँह चों। सो इस तो शर्मनाक होर की हो सकता, कि वह साडे हितां दा बंदा, कि वह साडे हितां लई सोचदा नहीं,
जिहड़ी सरकार है साडे किसानां की, मैं कहनी हाँ कि किसी भी खिते नूं तुसीं लै लो, ये किसी दे भी हक की सरकार नहीं हैगी। सो मैनूं लगता है कि हुण समां हैगा कि समीकरण बदलन और आने वाले समय के एक इहो जी सरकार बने जिहड़ी सिर्फ आम लोगों लिए होए और उन्हां दे हकां की गल करे। बिल्कुल, एक कंगना रनावत दे वल्लों लगातार विवाद जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां जा रहियां बजुर्गों नूं लैके होवे भावें संघर्ष नूं लैके, पर कल जिहड़ा महिला दिवस से उस महिला दिवस के एडे बड़े पद्धर से जोड़ा महिलावान का जोड़ा लड़कियों का इकट्ठ से उसनों तुम किस तरह देखते हो, क्योंकि वो मुँह तो एक करारी चपेड़ मार रहे हैं वो इकट्ठ। अस कंगना ना बोलती शायद साड़ी बीबियां अज इस मोर्चे ते आके डट के खड़ियां भी ना होंदियां। सो कंगना जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साड़ियां बीबियां नूं घरां चों कढ दित्ता, अज इस मोर्चे ते आउण लई मजबूर कर दित्ता। सो थैंक यू सो मच। बाकी हुण असीं तुहाडे वर्गियां नूं मूँह नहीं लाउणा चाहुंदे, हुण तुसीं जिहड़ी भी स्टेटमेंट दोगे साडे ते कोई असर नहीं होणा उहदा। बिल्कुल, किसे ना किसे पासे जिवें केंद्र सरकार दी नीतियां ने उस तरह ही इन्ह कलाकार जिहड़े अदाकार ने जिहड़े बॉलीवुड दे जिवें कंगना हो गई इन्हां दी भी अजिहियां नीतियां ही हो सकदियां ने कि किसी ना किसी तरीके दे नाल इन्हां नूं गुस्सा दवाया जाए तां जो गुस्से दे कारण इह कोई अजिहा कदम चक्कण जिस दे नाल संघर्ष नूं बदनाम किया जाए। असल च डाइवर्ट करन दी कोशिश की गई सी कि इन्हां दा जिहड़ा ट्रैफिक हैगा जिहड़ा सोशल मीडिया ते असीं इन्ना क कैप्चर कर लिया सीगा, साडे पंजाबी कदे सोच भी नहीं सकदे सी ट्विटर ते आउण दा, साडे मुंडे जिहड़े हैगे ने साडा यूथ जिहड़ा हैगा और उह ट्विटर ते आ गया और तहलका मचा रिहा सीगा, ट्रेंडिंग दे विच आ गए जी साडे हैशटैग्स जिहड़े सीगे। सो ये उन्हां दी सोच तो परे दी गल हो गई, तो उन्होंने टारगेट ही ट्विटर नूं कीता, उन्होंने टारगेट इहो जे दो चार चेहरियां नूं कीता कि जिहड़ा इन्हां नूं डाइवर्ट करन दी कोशिश करन और अलग तरह ते इक अलग पद्धर ते लड़ाई लै जाइए, फिर विक्टम बन जाना आपे ही बोल के, फिर आपे ही विक्टिम विमेन कार्ड खेडना। सो ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने इह सिर्फ भटकाउण दे लई सीगियां और बहुत जल्दी साडे पंजाबी समझ गए और उन्होंने उन्हूं बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर दिता और यही चाहीदा सी। रविंदर जी, पहलां जिहड़ा किसानां डराउण दियां भरमाउण दियां कोशिशां कीतियां जा रहियां सी कि इह जिहड़े कानून ने इह तुहाडे लाहेवंद ने, भाजपा आगूआं दे वल्लों भी लगातार समझाया सी। बिल्कुल, ते पर हुण जिहड़ा NIA दे वल्लों जिहड़े समन भेज के हुण डराउण दी कोशिश, पहलां भरमाउण दी कोशिश कीती गई हुण डराउण दी कोशिश कीती। देखो जदों संघर्ष चलते आ जे कोई सीधे तरीके नाल नहीं मानता फिर उन्हें पुठे तरीके नाल भी डराउण लग जाते हैं, यही कुछ हो रहा जिहड़े बहुत फ्रंट लाइन पर आके काम कर रहे हैं हुण उन्हां नूं डराउण की कोशिश, चाहे वह साडा मीडिया है, मीडिया परसनस नूं भी टारगेट किया जा रहा, कलाकारां नूं टारगेट किया जा रहा, जिहड़े इत्थे होर किसान ने साडे उन्हां नूं भी टारगेट किया जा रहा। सो ये चीज़ां तो होनिया ही ने, अगे किन्ने परचे हो गए, किन्ने जदों भी इहो जिहा अंदोलन चलिया तो किसानां ते बेअंत परचे हुंदे आ जिहड़े बणदे ही नहीं आ, ईवन जिहड़ा मुंडा नवदीप सीगा उहदे ते किन्ने परचे आ। सो ये चीज़ां बहुत छोटियां, मेरे ख्याल इहो जिहा अंदोलन दे विच बहुत छोटियां चीज़ां हुंदियां और इन्हां अगर असीं अज घरां तों निकल के इन्हां दे नाल डट के खड़े हाँ सो इन्हां चीज़ां लई फिर तैयार रहना चाहीदा कि ये चीज़ां भी नाल नाल चलणगियां। इक पंजाब दी सियासत नूं लै के तुसीं कहोगे, क्योंकि दोगली नीति अपना रही है भावें कांग्रेस सरकार हो भावें अकाली दल, एक पासे तो जो भाजपा का विरोध होंगे उदो लाठीचार्ज किया जाता तो दूजे पासे जंतर मंत्र से बैठ के धरना लगा रहे हैं कि असी किसानों के हकों के नाल खड़े हैं। यही तो पॉलिटिक्स है भाई मेरे यही पॉलिटिक्स है। सो ये गोल मोल होंगी इनू समझना बड़ा औखा होंगे, ये कदे तो लगते साढ़े हितैषी है, कदे लगता भी ये इन्हों तो गंदा बंदा ही नहीं कोई हो सकता, ये साढ़े दुश्मन ने। सो ये एको टाइम तो दो चीज़ा खेड़ जाते हैं, इन्हों समझना बहुत औखा। राजनीति अपने तो उत्तों ही निकल जाती है सर, तो समझ तो बाहर है ये राजनीति वाली गल्ला, पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हुण साड़ी ऑपोजिशन जिहड़ी हैगी उहनू बोलना चाहिए, साड़ी ऑपोजिशन अज शांत बैठी है, यही एक कारण है कि मोदी साहब का जिहड़ा रवैया बड़ा तानाशाह हो गया कि मुझे तो रोकेगा ही नहीं कोई, उन्होंने कहने वाला ऑब्जेक्ट करने वाला ऑब्जेक्शन करने वाला ही इस टाइम कोई नहीं है। सो ऑपोजिशन हुण मेरे ख्याल में आवाज़ चकनी चाहिए है। सकते हैं कि संघर्ष साडा हुण स्प्रिंग की तरह भी जिन्ना दबाओगे उन्ना उपर आऊगा। बिल्कुल हो चुका है, संघर्ष हुण उस लैवल तक पहुँच गया कि हुण पिछे मुड़न वाला नहीं, सिर्फ अगे जाने का रास्ता ही देखता है। किसानी संघर्ष के लिए दो लाइना, मैं जिहड़ी मैं बीबिया के लिए गीत बनाया या मैं थोनू दूजा गाना सुनानी हाँ, हो पिचा दिल्ली नाले अड़िया पिया पर जट्टा दा भी चढ़िया पिया, पिचा दिल्ली नाले अड़िया पिया पर जट्टा दा भी चढ़िया पिया, आ जानिया मलाई जल्दी दुद्ध सिदक दा घड़िया पिया, पिचा दिल्ली नाले अड़िया पिया। थैंक यू जी। सो ये रुपिंदर हांडा जिन्हां दे वल्लों साफ तौर पर गाने के राही कहा गया पेचा हुण दिल्ली नाल जिहड़ा अड़िया पिया। लगातार तुसीं बने रहो D5 चैनल पंजाबी दे नाल। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।